फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। एक पासे जिथे लखा किसान दिल्ली बार्डर ते धरना मारी बैठे ने अते अपनियां मंगां नूं लै के केंद्र सरकार खिलाफ लगातार रोस प्रदर्शन कर रहे ने, उत्थे ही खेती कानूनां नूं लै के हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वड्डा बयान दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण विच सीधे तौर ते यह साफ कर दिता है कि खेती कानून वापस नहीं लै जाणगे। प्रधानमंत्री गुजरात विच रखे एक समागम विच बोल रहे सी जिथे उन्होंने दोष लाया कि खेती कानूनों लैके विरोधी धिर किसानों भड़का रही ने। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दावा किया कि केंद्र वालों बनाए गए खेती कानूनों देश भर के किसानों ने आशीर्वाद दिता है। इन कानूनों की मंग किसान लंबे समय तो करते आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने किसानों खेती बिलों लैके कोई भी शंका का निवारण करने की गल भी आखी है। उन्होंने दोष लाया है कि कुछ सियासी लीडर किसानों के मोढ़िया से बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा कर रहे ने। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8,00,000 करोड़ रुपये होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी।
अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं, मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। अजिहे विच हुण जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तो यह साफ कर दिता है कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे, सगों वह किसानां दी किसी भी शंका का निवारण करने लई तैयार ने, तां हुण देखना है कि किसानां दी अगली रणनीति की होगी, कि किसान केंद्र खिलाफ कोई होर वड्डा संघर्ष उलीकणगे या फिर दिल्ली विच ही इसे तरह धरना मारी बैठे रहणगे। फिलहाल किसानों का गुस्सा लगातार सरकार ते वधदा जा रहा है अते सरकारे के खेती कानूनां नूं रद्द करन दे मूड विच दिखाई ही नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।